हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। ठीक है जी, एबीसी आप एबीसी ये ट्रायंगल है बिग वन और डीबीसी ये जो स्मॉलर वन है, ये आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं जिनकी बेस क्या है, सेम है। ओके और वर्टिसेस हमारे पास क्या है, ए और डी ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, बीसी की सेम साइड्स पे हैं। इसके अलावा आपको क्या गिवन है कि इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, शो दैट ट्रायंगल ए बी डी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। उन्होंने कहा है कि ए डी को एक्सटेंड करके पी तक इतना लेके आओ कि जो पी जो है वो बाइसेक्ट करे बी सी को। ओके और आपने शो कराना है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है, दिस वन, दिस ट्राइंगल ए बी डी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ओके ये वाला पार्ट। सबसे पहले आप गिवन इन्फॉर्मेशन लिखोगे, उसके बाद प्रूफ जो आपने करना है, देन आप अपने स्टेप्स लिखोगे प्रूफ करने के। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आपके पास गिवन क्या है, आपको गिवन है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है इज आइसोसेलस, राइट। अगर ये आइसोसेलस है तो इसका मतलब ये है कि इसकी दोनों साइड, इसकी दो साइड जो है वो क्या है, आपस में इक्वल है, मीन्स दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ओके इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो डी बी सी है, जो स्मॉलर वन है, ट्राइंगल डी बी सी इज ऑल्सो आइसोसेलस। अगर ये भी ट्राइंगल आइसोसेलस है तो इसका मतलब है कि इसकी भी दो साइड्स क्या है, इक्वल है, विच मीन्स डी बी इज इक्वल्स टू डी सी। ओके ये आपने गिवन इंफॉर्मेशन लिख ली। अब आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखो प्रूफ जो आपने करना है उसके स्टेप्स। सबसे पहले आप लिखो कि इन ट्रायंगल ए बी डी, दिस वन, ये ट्रायंगल और ए डी सी, ये आपने ट्राइंगल लेनी है। ओके एंड ट्राइंगल ए डी बी सी, इसमें आपके पास क्या है, बेसिकली आप देखो बी डी और बी डी दोनों में कॉमन है, तो आप लिख दो बी डी इज इक्वल्स टू बी डी विच इज कॉमन। ओके इसके अलावा बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी मीन्स ये, क्योंकि ट्राइंगल हमारी आइसोसेलस है इसलिए हम लिखेंगे बी डी इज इक्वल्स टू बी सी। नेक्स्ट है हमारे पास ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, वो भी क्या है, बेसिकली कॉमन है, तो आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल ए बी डी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ओके बेसिकली आपने इस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए आप इन ट्रायंगल ए बी डी और डी बी सी को ले रहे हो, ठीक है जी। और ये आपने कौन सा कंग्रेंस रूल यूज किया, आपने यूज किया एस 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 कंग्रेंस रूल, साइड 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 कंग्रेंस रूल। आपने कौन सी दो ट्रायंगल्स ली, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डी बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपने देखा कि बी डी इज इक्वल्स टू बी डी कॉमन है और आपको पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ये दोनों, ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलस है। ओके इसके अलावा बी डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये भी आपको गिवन है, और ए डी इन दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी डी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, और यही बेसिकली आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट टू विच सेज दैट, अब आपने क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी। अब आपने पार्ट वन में प्रूफ कर चुके हो कि ट्राइंगल ए बी डी जो है, ट्राइंगल ए बी डी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एसीडी, राइट, ये आप प्रूफ कर चुके हो पार्ट वन में। अब आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल बी ए पी is equals to angle PAC, okay? क्योंकि corresponding parts of congruent triangle are also equal. अब आप दो triangles लोगे, in triangle ABP and triangle ACP. Basically अब आप, ये आपके पास triangle थी, okay?
ए बी सी डी, आपके पास एक लाइन थी और डी को आपने पी तक एक्सटेंड किया था, ठीक है, जो कि बी सी पे क्या था, इंटरसेक्ट कर रहा था। फिर आपने बी को डी से मिलाया और डी को सी से मिलाया। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कौन सी ट्राइंगल ले रहे हो, ए बी पी मीन्स दिस वन, दिस हाफ ट्राइंगल एंड ए सी पी दिस हाफ ट्राइंगल। अब आपने इन दोनों को बताना है कि ये दोनों क्या है, कंग्रेंट है। इन दोनों में, दो ट्राइंगल्स में आप क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, इन दोनों की साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप क्या लिखोगे, बी ए पी एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, ठीक है जी। इसके अलावा आप लिखोगे ए पी इज इक्वल टू ए पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास जो ये साइड है ए पी, ये क्या है, कॉमन है, ओके। तो आपके पास अब क्या, एक ये साइड आ गई, एक एंगल आ गया और एक साइड आ गई, तो आप क्या कह सकते हो, ट्राइंगल ए बी पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी, ओके। और आपने ये कौन सा रूल यूज किया, साइड एंगल साइड कंग्रेंस रूल, ओके। और तो इस तरह आपने क्या प्रूव किया, बेसिकली ट्राइंगल ए बी पी कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट थ्री, जिसमें वो कह रहा है कि आप ये बताओ ए पी जो है बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज वेल एज एंगल डी। जो ए पी है बेसिकली दिस एंगल, ये क्या है, एंगल ए और एंगल डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। आपने ये प्रूफ करना है। तो आपके पास क्या है, बेसिकली आपने प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल बी ए डी है इज इक्वल टू एंगल सी ए डी एंड एंगल बी डी पी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल सी डी पी के, ओके। ये अगेन मैं एक ट्राइंगल बना देती हूँ, ये आपके पास ए था, ये बी, ये सी, डी आपके पास ये पॉइंट था और ये पी तक एक्सटेंड हुआ, इसके बाद आपने डी को मिलाया और पी को मिलाया, ओके। अब आप किसकी बात करोगे, आप बेसिकली अब इस ट्राइंगल की बात, इस ट्राइंगल को लोगे, ओके, जो मैंने बोल्ड किया है। तो आप क्या कैसे प्रूफ करोगे, आप लिखोगे जैसा कि इस क्वेश्चन के पार्ट वन में हम प्रूफ कर चुके हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो ट्राइंगल ए बी डी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ओके। और पार्ट वन में आपने क्या प्रूफ किया था कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, राइट। अब आपको पता है कि ए पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ओके, आपको गिवन है ए पी जो है बाइसेक्ट एंगल ए। इसका मतलब है फॉर एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, ओके। अब आपने सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल बी डी पी है, ये जो स्मॉलर वन है, इस ये कंग्रेंट है ट्राइंगल सी डी पी के, दिस वन के। अब आप क्या करोगे, इस ट्राइंगल में पार्ट, जो हमने पार्ट टू में प्रूफ किया था कि ट्राइंगल ए बी पी दिस वन, ए बी पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी, तो आप क्या कर लो, आप ले लो बी पी इज इक्वल टू सी पी, ठीक है, बी पी इज इक्वल टू सी पी, ओके। अब आप कौन से ट्राइंगल लोगे, आप लिखोगे इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, सी डी पी, बी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये आइसोसेलस ट्राइंगल है तो इसकी भी दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। बी पी इज इक्वल टू सी पी, बी पी इज इक्वल टू सी पी, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली पी जो है वो मिड पॉइंट है, तो जितना बी पी का डिस्टेंस होगा उतना ही सी पी का डिस्टेंस होगा। इसके अलावा डी पी इज इक्वल टू डी पी, ये दोनों क्या है, ये दोनों में कॉमन थिंग है। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो ट्राइंगल बी डी पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी पी, ओके। अगर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट है, इसका मतलब ये है कि जो एंगल एंगल बी डी पी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी डी सी के, ओके, विच से विच इज अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कंग्रेंट प्रूफ करवा चुके हो, इसका मतलब ये है कि जो एंगल सी एंगल बी डी पी है वो किसके इक्वल है, एंगल डी एंगल पी डी सी के, ओके। तो आप इससे क्या कह सकते हो, अगर ये इक्वल है तो विच सेज विच मीन्स दैट जो ए पी जो है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल डी को, ओके। और यही बेसिकली हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट फोर, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी।
अब आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे टू प्रूफ। बेसिकली आपने प्रूफ क्या करना है कि बीपी जो है वो किसके इक्वल है, सीपी के, और एंगल एपीबी किसके इक्वल है, एंगल एपीसी के, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप एक दफा फिर एक वो अगेन वही ट्रायंगल बना लो, ओके okay. अब आपने बताना है कि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे। अब पार्ट फोर में, अब पार्ट थ्री में आप देख चुके थे कि बी पी इज इक्वल टू सी पी और एंगल ए बी पी, एंगल ए पी बी, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, दिस एंगल ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। अब आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि जो ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। अब आप कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले आप लिखो कि लास्ट पार्ट में जो हमने किया पार्ट टू, उसमें हमने क्या देखा कि ट्रायंगल एबीपी इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल एसीपी, राइट। अब आप क्या करोगे, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी, क्योंकि पी जो है वो मिड पॉइंट है बेसिकली, ओके। एंड एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू एंगल एपीसी विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी आपको क्या पता है, क्रोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल, राइट। अब आपको पता है कि जो बी सी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल और एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी किसके इक्वल है, एंगल ए पी बी के, एंगल ए पी बी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, टू एंगल ए पी बी, ओके, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए पी बी जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल, ओके। इसका मतलब ये है कि जो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, वो क्या है, बेसिकली 90 डिग्री है। ये जो एंगल ए पी बी है ये किसके इक्वल है, एंगल ए पी सी के, और ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के इक्वल है, ओके। एज यू नो कि बी पी जो है वो किसके इक्वल है, सी पी के इक्वल है, ओके। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, ठीक है। और यही आपने बेसिकली प्रूफ करना था थ्रू दिस वे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में ये है कि ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। आप एक आइसोसेलस ट्राइंगल बना लो ए बी सी, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है कि ए डी जो है वो एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल है। अब आप एक एल्टीट्यूड बना लो, ये आपने बना लिया एल्टीट्यूड, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल। अब आपने क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट करता है बी सी को, और बेसिकली सेकेंड पार्ट जो है वो ये है कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। अब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले गिवन डाटा लिखोगे। गिवन डाटा आपके पास क्या है कि ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, और आपके पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और जो ए डी जो है वो क्या है, आपको गिवन है कि वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल ए डी बी जो है वो इक्वल है एंगल ए डी सी के, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपने प्रूफ क्या करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी और ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो सबसे पहले आप लिखोगे टू प्रूफ, ओके। आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, कौन सी आपने ट्राइंगल ली है, ट्राइंगल ए डी दिस वन एंड दिस हाफ, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट। नेक्स्ट आपको क्या पता है कि ए डी जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, ओके। और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने दो एंगल्स और एक साइड हो गई, ओके okay, तो ये आप क्या कह सकते हो, ट्राइंगल ए डी बी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी अकॉर्डिंग टू आर एच एस, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, ओके, कंग्रेंस रूल से आपने क्या प्रूफ कर लिया कि जो ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी है ये क्या है, दोनों कंग्रेंट है। अगर ये दोनों कंग्रेंट है इसका मतलब ये है कि बाय अकॉर्डिंग टू कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स बी डी इज इक्वल टू डी सी, ओके, बी डी इज इक्वल टू डी सी, और एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल डी ए सी के, एंगल बी ए सी दिस वन
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी. ओके, और बेसिकली यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था कि जो बी ए डी है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करता है बी सी को. नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए डी जो है वो बाइसेक्ट करता है, ए डी जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, वो भी आपने बेसिकली इसी तरह ही प्रूव कर लिया, क्योंकि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए डी ए सी. ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर. ठीक है जी, अब आपके पास दो साइड्स, ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं ए बी और ए सी एंड मीडियन ए एम, इस ट्राइंगल का, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल का आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, मतलब दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है और आपको क्या बताया गया है कि ये वाली जो ट्राइंगल ए बी सी का ए बी पार्ट है, ए बी साइड है, ये पी क्यू के इक्वल है, ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है और ए एम जो है वो पी एन के इक्वल है. ठीक है, बेसिकली यही आपको बताया गया हुआ है. तो आपने क्या करना है, आपने शो करना है कि जो ट्राइंगल ए बी एम है वो क्या है, कंग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के, और जो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके कंग्रेंट है, ट्राइंगल पी क्यू आर के. तो सबसे पहले आप क्या करो, आप गिवन डेटा लिख लो, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं. उसमें आपको क्या गिवन है कि ए बी जो है वो ए वो पी क्यू के इक्वल है, बी सी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, और ए एम जो है वो किसके इक्वल है, पी एन के. और आपको पता है कि ए एम जो है वो बेसिकली मीडियन है, ये आपको गिवन है. मीडियन किसका है, ट्राइंगल ए बी सी का. इसका मतलब ये है कि बी एम इज इक्वल टू सी एम और ये क्या है, बेसिकली हाफ ऑफ बी सी. ठीक है, बी एम या सी एम आपने फाइंड करना है तो आप किस तरह करोगे, हाफ ऑफ बी सी करोगे. इसी तरह आपको पता है कि पी एन जो है वो क्या है, मीडियन है ट्राइंगल पी क्यू आर का. तो सिमिलरली क्यू एन इज इक्वल टू एन आर और ये किसका है, बेसिकली हाफ क्यू आर. ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी एम इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे कि सिंस यू नो प्रूफ में आपको पता है कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. ठीक है जी, वन बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर बेस ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि वन बाय टू, वन हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर एंड बी एम इज इक्वल टू क्यू एन. बी एम इज इक्वल टू क्यू एन. ओके, ये आपके पास गिवन है. तो आप अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप ले लो इन ट्राइंगल ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल क्यू पी क्यू एन. इसमें आपके पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए एम इज इक्वल टू पी एन एंड बी एम इज इक्वल टू क्यू एन. ठीक है जी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये वाली साइड जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ए एम जो है ये पी एन के इक्वल है और बी एम जो है वो किसके इक्वल है, क्यू एन के. तो अकॉर्डिंग टू साइड 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 कंग्रेंस रूल आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी एम इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन. ठीक है, और यही बेसिकली आपने क्या करना था, प्रूफ करना था. नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर के कंग्रेंट है. ठीक है, अब पार्ट वन में अभी हमने जो सॉल्व किया था वो हमें क्या पता चला कि ट्राइंगल ए बी एम इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन. ये हमने अभी रिसेंटली ही क्या किया है, प्रूफ किया है. ओके, तो आप क्या करोगे, तो इसका मतलब ये है कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के अकॉर्डिंग टू कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल. अब नेक्स्ट आप ले लो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके, अब इसमें क्या है, आपको पता है कि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल, ये बेसिकली आपको क्या गिवन है, और बी सी जो है इज इक्वल टू पी क्यू आर. QR. तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड कंग्रेंस रूल जो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या है, कंग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के. और यही बेसिकली आपने क्या करना था, प्रूफ करना था. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी. अब आप क्या करो, एक ट्राइंगल ए बी सी बना लो. ठीक है जी, अब आपको क्या गिवन है, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स. एल्टीट्यूड्स बना लो बी ई और ये एक एल्टीट्यूड सी एफ है. ठीक है जी, ये
ये इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। अब आपने क्या प्रूव करना है, यूजिंग आर एच एस कंग्रेंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस। अब आप सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन डाटा लिख लो। गिवन आपको क्या है कि बी ई जो है वो एल्टीट्यूड है, ठीक है, बी ई इज एल्टीट्यूड। अगर ये एल्टीट्यूड है तो इट्स मीन्स एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। ये देखो एंगल ए ई बी, ये एंगल और एंगल सी ई बी, ये दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, 90 डिग्री का इक्वल। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो सी एफ जो है वो ऑल्सो एन एल्टीट्यूड, सी एफ इज ऑल्सो एल्टीट्यूड। तो आप क्या करोगे, एंगल एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी, ये भी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। एक आपके पास इंफॉर्मेशन ये आ गई और एक आपके पास इंफॉर्मेशन ये आ गई। इसके अलावा आपको पता है कि बी ई जो है वो किसके इक्वल है, सी एफ, क्योंकि ये दोनों एल्टीट्यूड्स क्या है, इक्वल हैं। अब आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है टू प्रूफ कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ये क्या है, आइसोसेलस है। ओके तो आप इसको किस तरह प्रूफ करोगे, आप दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल बी सी एफ एंड ट्राइंगल सी बी ई। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको आपने देखा कि ट्राइंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड इन दोनों बी सी एफ और सी बी ई में जो बी सी ई है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। ओके, और एफ सी जो है, एफ सी इज इक्वल टू ई बी, ठीक है। तो आप इन तीन इंफॉर्मेशन से कह सकते हो कि ट्राइंगल बी सी एफ और ट्राइंगल बी सी ई सी बी ई जो है वो क्या है, कंग्रेंट है। अगर तो ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो आप कह सकते हो कि एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी विच इज सी पी सी डी, क्योंकि क्रोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सिमिलरली एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के। तो इट्स मीन्स दैट अगर ये एंगल इक्वल है तो एंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑल्सो इक्वल। तो इससे आपको क्या पता चला, अगर दो साइड इक्वल है तो ये ट्राइंगल ए बी सी क्या है, इज आइसोसेलस। ओके, और यही बेसिकली हमने प्रूव करना था कि ट्रायंगल जो है वो आपके पास क्या है, आइसोसेलस है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब ये आपके पास एक आइसोसेलस ट्रायंगल है ए बी सी, आपको ऑलरेडी गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब आप क्या करो, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और शो दैट के एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के। अब आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि ए बी सी एक आइसोसेलस ट्राइंगल्स है विद साइड्स ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसके अलावा आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए पी बी पी बी सी पे, जिससे आपको क्या पता चला कि एंगल ए पी बी जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। अब आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ ये करना है कि जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो आप सबसे पहले अपने प्रूफ के क्या स्टेप्स लिखोगे, आप एक ट्राइंगल ले लो ए बी पी और ए सी पी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी जो एंगल ए पी बी है इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये जो यहाँ एंगल बन रहा है वो कौन सा है, 90 डिग्री। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये बेसिकली क्या है, आपको गिवन है, और ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये दोनों क्या है, इन दोनों में एक ये साइड कॉमन है। तो आप अकॉर्डिंग टू राइट हैंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कंग्रेंस रूल के जरिए ये बता सकते हो कि ट्राइंगल ए बी पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ओके, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट है, इसका मतलब ये है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि क्रोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। और यही बेसिकली हमने प्रूफ करना था। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन को, एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस किया।